हेलो गाइस, वेलकम टू जी फैमिली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुजरात वर्सेस दिल्ली के बीच में जो मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उस पर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस शुरू करने से पहले, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाए, ताकि जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ना, उसका आप काम जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बोल रहा हूँ ना, उसका काम आप टॉस के बाद यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट दूंगा, प्लस आप लोगों को कुछ पांच प्लेयर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्या हो सकता है मैच में, वो मैं आप लोगों को 100% तो नहीं हो सकता है, बट आप लोगों को 80-90% करेक्ट कर। लेकिन इस मैच पे तो मैंने 100% आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन कर दिया था, बोल वीडियो में भी बोल दिया था आप लोगों के कि ऐसा ऐसा मैच होगा और आपको ऐसा ऐसा करके करना है, जो जो करना है मैंने आपको बोल दिया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, जो RCB का अभी का मैच था उसका वीडियो देख लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था। अभी देखिए, हम लोगों ने फ्री चैनल, हमारा जो चैनल है उसमें टीम दिया था। देखिए सब लोग क्या, किसको कैप्टन मारा सब लोगों ने, आप लोग देखा है, आप सब ने राहुल, डुप्लेसी, कोहली, इन सबको कैप्टन मारा। हमने किसको कैप्टन किया आप देख सकते हैं, हमने हसरंग को कैप्टन में, वाइस कैप्टन कुणाल पांडे को कर दिया। हम लोग जो है ना, जीएफ फैमिली जो है ना, वो लोग हट के काम करते हैं। और हम लोग देखिए, ये हमारा ESL का टीम नहीं है, लेकिन अगर आपको ESL खेलना है तो जस्ट एक दो चेंजेस करके खेल सकते हैं। आप सेम टीम से भी खेल सकते हैं, अगर आप रिक्स टेकर है तो आप सेम टीम से भी, जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया, देखिए करण शर्मा पंत पिक है, ठीक है, इंपैक्ट प्लेयर में आज कॉन्फ्यूजन थोड़ा सा है, इसलिए मैंने बोल भी दिया। हर्षल पटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा GL में, अगर लाइन जैसे इंपैक्ट में है तो आएगा, तो मैं अगर इंपैक्ट में आ जाएगा, अगर मेन लाइनअप में आ जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। हसरंगा मस्ट पिक है, ऑल स्पिनर इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो में भी बोला था आप लोगों के लिए। हेजलवुड मस्ट पिक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा, वीडियो में भी बोला, सेकंड बॉल करें इसलिए मस्ट पिक होगा। सिराज के बारे में भी बोल दिया था आप लोगों को, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बोला था, डीम टीम में 6-7 बॉलर होगा ऑलराउंडर को लेकर, ठीक है, 6-7 बॉलर होगा डीम टीम में ऑलराउंडर को लेकर, और बैटिंग सेक्शन में सिर्फ 3, मतलब बैटिंग जो भी विकेट कीपर, बैटिंग में ऑलराउंडर मिल के टोटल 3-4 होगा प्लेयर, तो आपका डीम टीम बन जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है आज के मैच के। तो भाई, और पिच के बारे में मैंने आप लोगों को बोल दिया, देखिए पिच रिपोर्ट मैंने आप लोगों को कब देता हूँ, देखो 6:30 बजे मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट दे देता हूँ। भाई इतना पहले सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को सोचने का टाइम मिले और आप लोग कुछ ना कुछ काम, आप लोग इसके जरिए कुछ ना कुछ काम कर पाए। ठीक है, तो गाइज आप लोग वीडियो, हम लोग ज़्यादा लंबा ना करते, हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं, चलो ठीक है। तो गाइज अभी आ चुके हैं हम लोग ड्रीम इलेवन पर और डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए जो पिच है ना, पिच के बारे में थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली पिच है, प्लस सेकंड बैट को ज़्यादा, मतलब रन चेस हुआ है इस ग्राउंड पर, तो हम लोग मान के चलेंगे अभी रन चेस होगा, और जैसे आज का मैच हुआ उसके हिसाब से उससे ज़्यादा रन होगा, आराम से रन होगा उस मैच पे, 180-200 के आसपास भी रन होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। तो गाइस देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आज जैसे आज के मैच में आपको कौन, जैसे गुजरात और दिल्ली के बीच में मैच में आपको लगता है कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, आपके हिसाब से, आपका प्रेडिक्शन के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, आप कमेंट पे जरूर बताना। ठीक है, तो हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारा टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन हो जाना। ठीक है, बस यही काम है आपके लिए और कुछ नहीं, जी फैमिली की तरफ से सपोर्ट करने के लिए बस आप लोगों के लिए काम यही है। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए हम लोग जो करना है हम लोग जरूर करते रहेंगे, जो हमारा काम है वो आप लोगों के लिए करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए विकेट कीपर सेक्शन में 3 ऑप्शन है, उनमें से 2 सबसे अच्छा ऑप्शन है, फिलिप्स और साहा दोनों ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और दोनों ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिलिप्स और थोड़ा सा हिट और मिस टाइप प्लेयर है, लेकिन पिछले मैच में अगर आपने पारी देखा था बहुत अच्छा खेला था। ठीक है, बट क्या है ना, हिट और मिस टाइप प्लेयर है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, बट मुझे लगता है आप गैनलिंग में जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच होगा, एक थोड़ा सा थ्रेट रहेगा सामी का। ठीक है, इसीलिए अगर आप छोड़ना है तो आप अगर जैसे गुजरात फास्ट बॉल करें तब इसको छोड़ने का रिस्क लीजिएगा, बाकी सेकेंड बॉल पर थोड़ा सा पिच में भी बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगा तो उस टाइम पर ये मतलब रन मार सकते हैं। ठीक है, बाकी साहा को आप आज के मैच में मस्ट पिक करेगा, स्मॉल लीग गैनलिंग दोनों में आपकी टीम में मस्ट होगा, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देकर जाएगा। ठीक है, बाकी शुभमन गिल आपकी टीम में स्मॉल लीग गैनलिंग दोनों में मस्ट पिक होगा, इवन आज के मैच तो जो गुजरात आज के मैच में आप जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन भी मार सकते हो, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा है, हेड टू हेड में 30 के प्लस भी एवरेज है, तो ग्राउंड आपका जरूर, आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी आज के मैच में मार सकते हो। इससे पहले मैच में मैं आप लोग को बोलता हूँ VC मार सकते हो या ड्रॉप भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट देते रहता हूँ, उसके जरिए आप अच्छा खासा टीम बना सकते हो। ठीक है, डेविड ऑर्नर पिछले मैच में फ्लॉप चला गया, लेकिन इस मैच में अच्छा खासा आपको पॉइंट देके जाएगा, आप जरूर इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आपके टीम में मस्ट का, प्लस ग्रैंड लीग में सेकंड बैट पर तो आप आराम से कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। ठीक है, डेविड मिलर जैसे आप टॉप ऑर्डर में ड्रॉप कर, जैसे साहा को ड्रॉप कर, जैसे मैंने आप लोगों पिछले मैच में भी बोला था, जैसे साहा को आप ड्रॉप कर रहे हो टॉप ऑर्डर में, हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर रहे हो, जैसे हार्दिक पांड्या को ऑनडाउन कर रहे हैं, तब आपके टीम में मस्ट पिक होगा मिलर। ठीक है, विजय शंकर के बारे में भी आप लोगों को बोल दिया था कि बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है, इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, आप इसको जरूर पंत पिक था उस मैच में, मैंने आप लोगों को बोल भी दिया था। ठीक है, वीडियो में बोल दिया था, चैनल पर नहीं बोल, लेकिन सब
अगर चैनल पर बोल देंगे तो वीडियो में क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग जो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चैनल पर भी देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को टॉस के बाद, टॉस के हिसाब से जो होगा वो आप लोगों के साथ वो आप लोगों के हम चैनल पर शेयर करते हैं। टॉस के बाद जो हमें लगता है कि ये हो सकता है वो आप लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है। बाकी पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों को वीडियो में बोल देता हूँ कि इस प्लेयर को कब लेना है नहीं लेना है, ठीक है। डेविड मिलर जैसे मैंने बोला आपको कब लेना है, जैसे हार्दिक पांड्या, साहा, या आप रिक्स लेते हो गिल को ड्रॉप करने का, तब आप ट्राई करना। अदरवाइज मिलर थोड़ा सा मतलब अच्छा पिक नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी मानिस पांडे को आप गैनलिक में जरूर ट्राई कर सकते हो, रिकॉर्ड अच्छा है, बट थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेगा इसलिए रिस्की हो जाएगा। बाकी गैनलिक में जरूर टॉप ट्राई कर सकते हो, बहुत कम लोग लेके जाए। अभी नंबर आपको आप गैनलिक में ट्राई कर सकते हो, उतना खास पिक नहीं रहेगा क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करेगा। राहुल दिया था भी सेम ऑप्शन, पीएम गार्ग को आप गैनलिक में ट्राई कर सकते हो, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, आपको गैनलिक जीता भी सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा खासा टीसी का जो टॉप ऑर्डर है उतना कुछ खास नहीं है, आराम से कोई भी एक दो मतलब हिट और मिस टाइप प्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं फिलिप सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद सरफराज भी उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, मनीष पांडे भी खास नहीं कर, उतना फॉर्म अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा लोअर ऑर्डर का बैट्समैन थोड़ा सा लीजिएगा जो आपको गैनलिक में अच्छा खासा रैंक दिला सकते। जैसे पीएम मतलब गार्ग भी, गार्ग को आप देख सकते हैं 1% लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन इसका ए प्लेयर जो है ना थोड़ा सा रुक के खेलता है और आराम से आपको गैनलिक भी जीता सकते, तो आप जरूर पांच पिक हो सकते हैं आपके लिए, आप जरूर गैन लीग में ट्राई करेगा। बाकी रिपल पटेल का अगर आप गैन लीग में ट्राई करना चाहते हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल मस्ट पिक होगा आज के मैच में, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मस्ट पिक होगा, प्लस आप आराम से इसको कैप्टन भी मार सकते हो, ठीक है। अब गैन लीग में इसको आराम से क्या है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप कैप्टन मार सकते हो, और आग बांध करके तो स्मॉल लीग में आपको कैप्टन मारना है, और बाकी गैन लीग में भी आप जरूर इसको दो चार टीम में कैप्टन मारना, ठीक है। क्योंकि पिच जो है ना थोड़ा सा स्पिनर फ्रेंडली भी है, बट ओवरऑल आप देखा जाएगा तो बैटिंग को भी मतलब क्योंकि ये इसका जो फॉर्म है बहुत ही अच्छा है, बैटिंग से भी पॉइंट दे रहा है, प्लस बॉलिंग से आराम से, आपको पिछले मैच में बॉलिंग नहीं किया था बट इस मैच में जरूर बॉल करेगा, आप इसको कैप्टन मारिएगा। मिचेल मार्श अभी बहुत अच्छा फॉर्म में दिख रहा है बट कंसिस्टेंसी नहीं है, स्मॉल लीग में तो आपके लिए सब लोग कैप्टन मारेगा, बट आप एज ए प्लेयर रख सकते हो, ठीक है। फास्ट बॉल करेगा तभी इसको कैप्टन मारना, अदर सेकंड बॉल करेगा तो एज ए प्लेयर रख सकते हो आप। स्मॉल लीग अगर आपको कैप्टन मारना है तो फास्ट बॉल पर ही करना, सेकंड बॉल करेगा तो एज ए प्लेयर रखना आप, ठीक है। बाकी अक्षर पटेल में जैसे मैंने बोला आपको, हर मतलब फास्ट बॉल या सेकंड बॉल करें आपके टीम में स्मॉल लीग में जरूर कैप्टन होगा, बाकी गैन लीग में तो मस्ट पिक होगा। हार्दिक पांड्या फास्ट बॉल करेगा तो आप जरूर अगर रिक्स लेना चाहते हो तो स्मॉल लीग में कैप्टन मरेगा, बाकी एज ए प्लेयर फास्ट बॉल नहीं करेगा। जैसे फास्ट बैट कर रहे हैं हार्दिक गुजरात, तो आप जैसे प्लेयर रख सकते हो क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जा सकते हैं, एक दो बार बॉलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। विजय शंकर आज के देखिए आज के मैच में भी बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, तो इसलिए आप गैन लीग में जरूर कैप्टन मतलब बैक करिएगा इसको, आपको अच्छा खासा गैन लीग में रैंक दिला सकते हैं। बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं बट आप गैन लीग में जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। मैं पहले से ही आप लोगों को जब से देखिए आप इसका अगर ड्रीम टीम खोल के देखेंगे तो हर एक मैच में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देखे गया है, आप देख सकते हैं। ऐसा प्लेयर को बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं क्योंकि पता है क्या है, ऐसा प्लेयर को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट यही लोग ड्रीम टीम में आता है मोस्ट ऑफ द मैच में, आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी उतना कुछ कोई खास पिक नहीं है, अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप अगर लाइनअप में कोई आते हैं तो जरूर गैन लीग में ट्राई करें। राशिद खान मैंने बोल दिया था आप लोगों को, फास्ट बॉल करेगा तो आप एज ए प्लेयर रख सकते हो, या आप छोड़ने का भी रिक्स ले सकते हो। पिछले मैच में मतलब बहुत ही ज़्यादा मारा है इसको, ठीक है। आप गैन लीग में जरूर इसको स्मॉल लीग गैन लीग दोनों में आपका टीम मस्ट होगा, बट गैन लीग में अगर आपको छोड़ना है लेकिन पिच जो ना थोड़ा सा स्प्रिंट फ्रेंडली पिच है इसीलिए, और डीसी का जो मिडिल ऑर्डर है वो भी बहुत ही कमजोर है, आपके टीम में स्मॉल लीग गैन लीग दोनों में मस्ट होगा, प्लस सेकंड बॉल करेगा तब तक आग बंद कर भी आप गैन लीग में दो तीन टीम में कैप्टन मार देना, ठीक है। मोहम्मद शमी स्मॉल लीग गैन लीग दोनों में मस्ट पिक होगा, चाहे अगर आपको छोड़ना है तो सेकंड बॉल पर थोड़ा सा छोड़ने का रिक्स ले सकते हो, बाकी फास्ट बॉल करेगा तो एकदम मैंने बोल दिया था आप लोगों को उस मैच में गुजरात के मैच में, फास्ट बॉल करेगा तो मस्ट पिक होगा, ठीक है। आराम से 3 विकेट लेके गया था। अब जरूर अगर आपको छोड़ना है तो सेकंड बॉल पे छोड़ने का गैन लीग में, अगर आपको छोड़ना है स्मॉल लीग में तो मस्ट होगा, छोड़ना है तो आप जरूर फास्ट सेकंड बॉल पे छोड़ने का रिक्स ले सकते हो, बाकी फास्ट बॉल पे आपके टीम में मस्ट पिक होगा। नोट जे पिछले मैच में फ्लॉप गया बट इस मैच में फ्लॉप नहीं जाएगा, आप इसको मस्ट पिक करेगा आपके टीम में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में, ठीक है। नूर अहमद हर एक मैच में अच्छा खासा पॉइंट देकर जा रहा है, प्लस पीस जो है ना स्पिनर को थोड़ा सा मदद करेगा, मतलब एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर स्पिनर को भी थोड़ा सा मदद करेगा, इसीलिए आप स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बट ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई करिएगा। जैसे कुलदीप यादव का फॉर्म उतना खास नहीं है बट आपको कैब लेना है, मैं आपको बोल देता हूँ कुलदीप यादव को ट्राई करना है आपको सेकेंड बॉल पर, फास्ट बॉल करेगा छोड़ देना आप कुलदीप यादव, डीसी फास्ट बॉल करें कुलदीप यादव को छोड़ देना। गुजरात का पंत पिक अगर किसी को आपको बॉलिंग सेक्शन में लेना है एन अहमद को मस्ट पिक कर दीजिएगा, जैसे गुजरात जीतेगा उस टीम में तो आपकी टीम में एन अहमद होगा, प्लस आप पंत पिक के तौर से अगर आप किसी को देख रहे हैं तो एन अहमद आपकी टीम में होगा बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है। बाकी लिटिल को पिछले मैच में आप लोगों को चैनल पर मैंने बोल दिया था, लिटिल पंत पिक है आपका, 2 विकेट लेके गया था टीम में आ गया था, आप देख सकते हैं कितना पॉइंट दिया, 72 पॉइंट दे गया। मैंने आपको चैनल पर बोल दिया था टॉस के बाद के आज के मैच में पंत पिक है, ठीक है। तो जिसने भी वो बात हमारा सुना और उसके हिसाब से टीम बनाया वो अच्छा खासा रैंक कर सकता है, मतलब किया होगा।
और बाकी ईशांत शर्मा मतलब बॉलिंग उतना कंफर्म नहीं है, पूरा ओवर करेगा कि नहीं करेगा, बट गैन लीग में जैसे आप टॉप ऑर्डर किसी टॉप कर रहे हैं गुजरात का तभी ट्राई करना, बाकी उतना कुछ खास पिक नहीं रहेगा गैन लीग में, आप जरूर ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में खास पिक नहीं रहेगा। मोहित शर्मा का उतना ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और फेवर भी अच्छा नहीं कर रहा, इस पिछले मैच में चोट हुआ था, मे बी इस मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी। अगर आपको ट्राई करना है तो सेकेंड बॉल पर ट्राई करने का थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बाकी फर्स्ट बॉल पर आराम से आप बंद करके छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखिए मे बी पिछले मैच में चोट था इसलिए इसको बॉल नहीं दी, इंजुरी था इसलिए बॉल नहीं किया, मतलब नहीं कराया, बट जैसे अगर खेलता है तो आप गैन लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सुलवार कटार बहुत अच्छा करता है, बैकअप जो हैं बॉल होता है ना वो भी अच्छा करता है, तो आप गैन लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत पंपिक हो सकता है आपके लिए, 7% लोग लगे, थोड़ा सा इंजुरी का कंसर्न है, बाकी देखा जाएगा अगर लाइनअप में आता है तो। मुकेश कुमार उतना खास पिक नहीं रहेगा, अगर आपको लेना चाहते हो तो गैन लीग में ट्राई कर सकते, बाकी देखिए उतना कुछ कोई खास पिक नहीं है। अगर आपको इनमें से किसी को लेना है जो लाइनअप में आता है न्यू प्लेयर, तो आप मैं टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूँगा किसको लेना है किसको नहीं। बाकी टॉस के बाद तो पिच का रिपोर्ट भी आप लोगों को मैं टॉस से पहले जो भी पिच रिपोर्ट का मैं आप लोगों को सरल मतलब एकदम कॉमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, प्लस क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने अभी तो आप लोगों को वीडियो में बोल दिया, और फिर टॉस के बाद क्या करना है मैं आप लोगों को चैनल पर शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये कर सकते हो, आप ऐसा प्लेयर को आप पंच प्लेयर हो सकते हैं उसको आप लेके जा सकते हो गैन लीग पर, ठीक है। और देखिए ऐसा मैच में क्या है ना, स्मॉल लीग थोड़ा सा कम खेलिएगा, हम लोग बहुत ही कम स्मॉल लीग खेलते हैं, हम लोग खेलते भी नहीं है, हम लोग मिनी एसएल कभी कभी खेलते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द मैच में हम लोग जीएल ही खेलते हैं, और हम लोगों का टारगेट होता है जीएल क्रैक करना, और जीए फैमिली जो भी जीए फैमिली को फॉलो करते हैं उसको मालूम है जीए फैमिली कितना बार अभी तक जीएल जीता, हम लोगों ने बहुत बार जीएल जीता, अभी तक हम लोगों ने 50 के आसपास जीएल जीता है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ से हम लोग फर्स्ट रैंक क्रैक नहीं कर पाया, लास्ट 3 मंथ से हम लोग में देखिए हम लोग रियलिटी बोलते हैं, कोई छुपा मुख छुपा के कुछ नहीं बोलते, हम लोग लास्ट 3 मंथ में हम लोग गैन लीग क्रैक नहीं कर पाया, फर्स्ट रैंक नहीं ले पाया, टॉप 10 में आया लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं ले पाया, बट हम लोगों का भी बहुत अभी चाह है, हम लोग जरूर गैन लीग जीतेंगे, आप लोग भी हमारे साथ रहिए सपोर्ट करते रहिए जी फैमिली को, हम लोग जरूर जीतेंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को इस मैच का कॉम्बिनेशन नहीं दूंगा, और क्योंकि हम लोग टेलीग्राम पे जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन दूंगा कम से कम 5 मिनट पहले दूंगा, उसके हिसाब से आप टीम बना सकते हो, ठीक है। अभी गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट जो मैच का वीडियो आएगा उसमें हम जरूर मिले, जब बाकी मैंने ओमेन मैच का भी वीडियो डाल दिया उसका आप लोग वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो जरूर ओमेन मैच का जो बांग्लादेश ओमेन और श्रीलंका ओमेन का मैच का वीडियो वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। गाइज अभी आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, ठीक है, थैंक यू गाइज, हमारा टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है।